क्या हो गया, ऐसी शक्ल क्यों बना ली? अपना ना खाने पीने पे ध्यान दे ले पहले। तुम ना बहुत लापरवाह है। एक महीने पहले टेस्ट कराया था, कैसे मुझे खुद बॉडी में फील ही नहीं हुआ। मैं जो करने के लिए बोलूंगा वो कर लूंगी। बाबू का नाम करूंगा। नमस्कार गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो भाई गाना आ गया हमारा पिस्टल पे लोन, और अभी आपको लिंक की वीडियो मिलने वाली जिसमें पायल बहुत ज्यादा हेल्दी थी, और इसका हम दोबारा वीडियो तब शूट करेंगे जब आप ज्यादा नहीं 50,000 कमेंट कर दोगे। और मैं ये भी बताऊंगी मैं फैट टू स्लिम कैसे हुई हूं। हाँ ठीक है, बहुत ही जल्दी बताने वाली हूं। तो हम बता देते हैं हमारे प्रोडक्ट का नाम, आपको बता देते हैं हमारे प्रोडक्ट का नाम है फैमिली फिटनेस स्लिम, स्लिमिंग है ना। तो प्रोडक्ट कब तक आएगा मैडम? प्रोडक्ट में लग जाएगा अभी 20-25 डेज, तो उसके बाद हर घर में दिखेगा फैमिली फिटनेस स्लिमिंग प्रोडक्ट, यानी फिट होने वाला आप सब लोग। तो भाई गाना यहाँ एडिट हो गया है, तो गाने की थोड़ी झलक दिखा दो आपको, देख लो भाई। अब मेरे को क्यों दिखा रहे हो ये बार बार? मैं याद दिला रहा हूँ, देख ले तू इतनी हेल्दी थी। बहुत ज्यादा हेल्दी थी यार, पेट मुंह गोलगप्पे जैसा, अब जो है बिल्कुल पतला हो गया। तो भाई ये जो गाना है, हमारे पास जितना भी डाटा था पुराना जो हमने आज तक यूज नहीं किया था, उसको एडिट करके हमने गाना एक बनाया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप ये गाना पूरा देख रहे हैं, इसमें देखना मैं कितना मोटा हूँ, पायल गोलू, बस आपको ना 50,000 कमेंट करना है इस वीडियो पे। और आपको बोला कि इसकी हमें एक मजेदार सी वीडियो चाहिए जिसमें गोलू पायल मैं हम सब फिट मिलने वाले। ये सुनना चाहते हैं, आपने बोल दिया है कि मैं कितना मोटा हूँ, पायल कितनी मोटी है, गोलू कितनी मोटी है, इसमें कमेंट यही आएंगे नहीं अरमान सर आप तो फिट हो? नहीं हो। अब यही सुनना चाहते हो? नहीं नहीं नहीं, इसमें फिट हो आप, फिर भी मोटा हूँ। तो गाइस गाना आएगा सुबह 9 बजे, हमारा जो चैनल है नंबर 1 रिकॉर्ड्स पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी होगा, अगर आपको नहीं मिलेगा तो डिस्क्रिप्शन से देख लेना। तो गाइस मैंने सोचा है कि जो सुबह और जैद का बर्थडे है ना, मैं नहीं बना रहा, मैं इनको कहीं लेके जाऊंगा, अच्छा सा डिनर कराऊंगा, क्योंकि पिछली बार जब मैंने जैद का बर्थडे किया था ना, बहुत कमेंट में गालियां खाई थी, लोग बोल रहे थे भाई तुमने बच्चे को पैंपर नहीं किया, वेलकम नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो भाई आज से मैंने सोच लिया मैं सिर्फ चीकू का बर्थडे बना दूंगा, बढ़िया सा बड़ा लड़का मेरा, और सब जब बड़े हो जाएंगे अपने पैसे से खुद बर्थडे बनाओ। क्या हो गया, ऐसी शक्ल क्यों बना ली? मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। हाँ क्योंकि ना यार बाल पता क्या, एक तो बुरा है लोग, फिर ना कमेंट में लोग पूछते तुम्हारा खानदान क्यों नहीं आया, तुम्हारे लोग क्यों नहीं आए। तो भाई इसका रिप्लाई मेरे पास नहीं, इसका रिप्लाई सिर्फ यही है कि भाई हमारे बच्चे हैं, लोगों के घर में भी कटते तो मैं भी घर में ही खाते, हम अपनी पूरी फैमिली कहीं चलेंगे डिनर पे। मेरी फैमिली देखो भैया, जो मेरी टीम है ना वही है, रात दिन धूप कुछ नहीं देखती, खड़ी रहती है। तो मैं उनके साथ एक बढ़िया सा मजेदार सा डिनर प्लान करूंगा जहाँ पे मैं बच्चों को बर्थडे सेलिब्रेट करूंगा। वैसे भी अभी बच्चे इतने छोटे, उन्हें थोड़ी पता आप सेलिब्रेट कर रहे हो क्या कर रहे हो। यस, जब वो सेंसिबल हो जाए, जब उन्हें पता है कि उनका बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है कि नहीं हो रहा, तब फर्क पड़ता है। नहीं मैं चीकुआ करूंगा भाई, पूल पार्टी बढ़िया सी जिसमें किसी को कोट पैंट पहनने के अलाउड नहीं है, वहाँ पे आप अपना जो होते हैं शॉर्ट्स वॉर्ट्स पहन के आना और कूदना और नाचना गाना। पर हम इनका फोटोशूट करा देंगे। हाँ भाई इन्होंने ना खून पी रखा है, मैंने जैसे व्लॉग बंद किया ना यहाँ पे पायल का मुंह बन गया, और मैं भी इन पे थोड़ी अंदर मुंह बना के खड़ी थी, इन्होंने मेरा मुंह नहीं देखा, पायल ने मेरा मुंह देख लिया, क्योंकि पायल करी गोलू ड्रेस कैंसिल करने को तो बोला आधे घंटे पहले, करी मैंने कहा नहीं मैंने नहीं करी। देखो मैं जो भी चीज सेलिब्रेट करता हूँ ना, मुझे सुनने को बहुत ज्यादा चीज मिलती है ना, जैसे मेरा पूरा खानदान है वो अपने घर बैठा होता है, मैं उनको किसी को बुला लूं, फिर बाद में कमेंट में सुनने को मिलता है भाई दिखावे के लिए अच्छा बनता है ये वो, इंसान की ना चारों तरफ से ना मर आ जाती है ना बेटा। ये बात तो बिल्कुल सच है कि हम लोग कितना भी अच्छा कर लेना, लोग कमियां ढूंढ ही लेते हैं कि ये कमी। अब इसके बर्थडे पे हमने वो इसको एंट्री वेंट्री नहीं करवाई, हमने सोचा बच्चा वैसे बीमार, इसको लूज मोशन लगे हुए हैं, नॉर्मल हम ले चलेंगे थोड़ी देर के लिए, फिर ले आएंगे, उसमें भी तो नहीं कमेंट आ गए कि इसको स्पेशल फील नहीं कराया, ऐसे पैम्पर नहीं किया, ये नहीं किया। और ये देख लो क्या कर रहे हो अब ये? क्या हुआ? अच्छा आजकल ये मुझे दूर से देखता है ना, दूध दौध सब छोड़ के भागा आता है वो, तो यार वैसे करते हैं। हेलो क्या हुआ? नहीं आजकल ना कृष्णा मुझे देख के ना, मतलब कृष्णा तूबा नहीं आती, तूबा को जब मैं गोद में लेता हूँ तब वो किसी के पास जाती है, बाकी जो अपना कृष्णा है ना वो अपना मजेदार तरीका देख के भागाता है। कृष्णा मुझे ऐसा लगता है कृष्णा हर किसी की गोदी में चला जाता है, और जैद भी, पर तूबा है चूजी। नहीं होना भी छिपे लड़की है भाई, हमारी क्यों जाएगी वो? तूबा चूजी है, तूबा सिर्फ हमारे यहाँ की औरतों के पास जाती है, आदमी के पास कम जाती है। खिचड़ी खाओ? अरे नहीं नहीं भाई, मेरा नफरत हो गई रात की खिचड़ी से भाई, मैंने ना दिल्ली गया था इसके बाद, इसने ऐसी गंदी खिचड़ी बनाई जिसमें मिर्च ज्यादा थी, पर मुझे भूख लगी थी मैंने खा ली, खाने के बाद मेरी रात को तबीयत खराब हो गई मेरी, मैं ना चुपचाप सो गई, ये ना सो रही थी, मैंने इसको जगाया, इसने इसको पता लग गया मेरी तबीयत खराब है, सुबह उठ के मुझे कहे थैंक यू आपने मुझे डांटा नहीं, आपने मुझे कुछ बोला नहीं है। उससे पहले तो एक दिन पहले बनी थी ना वो वाली खिचड़ी ठीक थी, पर पता नहीं इस वाली खिचड़ी में क्या हो गया, मैंने शाम को 7 बजे गोई थी, 3 बजे बनाई रात के, तो इसलिए खराब हो गई। जलन फैक्टर आ गया घर में? आ गया देखो, ये देखो ये जोर से चिल्ला रहा है, इसलिए चिल्ला रहा है, मैं नहीं उतर रही। ये वो नहीं होता जो वो करते हैं ऐसे देखो, करके दिखाओ ऐसे देखो,
तो भाई मैं अभी कह रहा था पायल को कि दो चार दिन ना कश्मीर घूम के आते हैं, तो गोलू वगैरह दोनों साथ चलते हैं। पायल कह रही है काम करो कश्मीर उसको ले जाओ, दुबई मुझे ले जाना। हाँ भाई नहीं नहीं ये नहीं, मैं कह रही हूँ कश्मीर पायल को ले जाओ, दुबई मेरे को ले जाना। अच्छा किसके पासपोर्ट है? पासपोर्ट है, पासपोर्ट तो नू आ जाएगा मेरा। यू अभी अपॉइंटमेंट मिली है, अभी पता नहीं कब आएगा। मैं मंगवा लूंगी। एक बात बताओ, चलो मुझे एक मिनट स्टॉप, एक बात बताओ, मैं लाइफ में पहली बार मेरे पासपोर्ट पर ठप्पा लगना है, क्यों इतनी अड़चने आ रही है? नहीं मैं तो एक चीज से खुश हूँ भाई, मैं कल परसों रात को इमेजिन कर रहा था वाले पायल को लेके जाऊंगा दुबई कम से कम 15 दिन के लिए। पायल कह रही मैं दुबई जाऊंगी बुर्ज खलीफा देखने, मान चल तुझे दुबई लेके जाता हूँ 15 दिन के लिए लेके जाऊंगा। और मैं कह रहा हूँ सांस लेने की भी मूवमेंट एक एक घंटे के व्लॉग डालूंगा वहाँ से, घंटे ठीक है मुझे आएंगे वो। तो गाइस ये हमारा ये लगा लो, चल एक सरप्राइज होते थे। एक काम करता हूँ टिंकू, तेरा पासपोर्ट कहाँ है? तुम मंगवा ले, इसकी टिकट करवाता हूँ। शादी के बाद लड़के आ जाती है हनीमून, तो मैं तो कभी गई नहीं, तो ये लगा लो मेरा हनीमून ट्रिप है ठीक है। पायल और गोलू, पायल और अरमान चले, मैं कह रही पायल और गोलू चले हनीमून पे ठीक है भैया। पासपोर्ट मंगवा ले, मंगवा ले, आ गया पासपोर्ट तो, ये देखो कहाँ गया पासपोर्ट। क्या पता वहाँ से कोई गुड न्यूज आए, ये चार गुड न्यूज घूम रही है यार, इनको तो पाल लो पहले। मैं कश्मीर गई थी ना, फोटो ग्रीन टी पी रहा है। तो भाई गाना आ गया, जिसने अब तक नहीं देखा जाके देख लो नंबर 1 रिकॉर्ड पे पिस्टल पे लॉन, और पूरे गाने में पिस्टल नहीं दिखेगी आपको। और ये गाना तब का है जब हम बहुत हेल्दी थे, और ये सिनेमैटिक शूट किया है। 50,000 कमेंट कर देना कि भाई इसकी नई वीडियो चाहिए, तो भाई 5 दिन के अंदर मैं नई वीडियो दूंगा हम सारे के साथ ठीक है। हाँ, फूटी फूटी हो जाएगी मेरे बेटे की, वैसी इतनी फूटी फूटी होती है। एक बार खिचड़ी ट्राई करना, एक बार टेस्टी बनी मैं बिल्कुल भगवान की कसम खा रही हूँ। पायल पायल को खिलाइए, अरे वो रात की एक बार वो भीग भी थी, एक बार अगर बुरी होगी ना मुंह पे या फिर लाइव हो जाएगा। मुझे खानी नहीं भाई तेरे रात की, ना मैं खा के देखा। पायल इतनी अच्छी बनाई है मैंने, उस दिन भीगी हुई रह गई थी, खा ले फिर मना किसने किया है। ये होता प्यार, खा ले। कृष्णा क्या चाहिए बेटा, कैमरा चाहिए? दे फोन, तुम इतनी चोट मारते ना बेटी, इधर दिखाइयो, देखियो यार क्या हालत कर रखी है। वाह सही टाइम पे तूने फोन हटा लिया भाई, सही टाइम पे। मतलब मुझे ऐसा लगा कि यार फोन पे कुछ हो गया, पानी गिरा दिया पूरा, गिरना चाहिए गुड्डू। तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हो तीनों बच्चे जो है निक्की चच्ची के साथ बैठे हैं, और यहाँ पे उनकी खिचड़ी जो है वो रेडी हो गई है। तो खिचड़ी जो है ज्यादा गर्म थी, तो इसलिए पंखे के नीचे रखी हुई है ठंडी करने के लिए, जब ठंडी हो जाएगी फिर बच्चों को खिलाएंगे। भाई बच्चे यहाँ पर पूरी मस्ती कर रहे हैं, और थैंक यू सो मच, 1 मिलियन कम्प्लीट हो गए इनके, और आप बहुत प्यार दे रहे हो, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट। और मुझे ऐसा लगता है एक बच्चों का ऐसा ही चैनल है जिसपे बिल्कुल भी गंदे कमेंट नहीं आते, वहाँ बहुत प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं। बस थोड़ा सा ये रहता है कि लक्ष सबको दिखाती है, तुम अरमान ज़ाद से प्यार नहीं करता, तू उससे नहीं करते, बस ये कमेंट आई, ये मत क्या करो यार, चारों बच्चे हमारे एक ही है ना। देखो जिसके पास जब टाइम मिलता है इंसान तब दिखाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है अयान सो रहा है, ज़ाद जाग रहा है, तू सो रही है तो अयान जाग रहा है, तो जो बच्चे जाग रहे थे उसकी एक्टिविटी नोट करते हैं उन्होंने क्या। बेटा ज्यादा मत खाना बीमार ना हो जाए, कि ज़ाद ने अपने हाथ गंदे नहीं किए, पूरे ऐसे उठा रखा रहे उम्मीद से, वो फॉरनर बच्चा ना हमारा, देख लो ये गांव वाले, ये हमारे गांव वाले कपड़े गंदे कर देंगे तेरे, चेंज कर लूंगी। तो भाई ये देख लो हमारा जो बच्चा है ज़ाद, बिल्कुल भी इसने कपड़े गंदे नहीं किए, और ये देख लो दोनों के दोनों निकम्मे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके बर्थडे से पहले पायल ने ना केक कटवा दिया बच्चों से, नहीं क्योंकि मैं बर्थडे पे हूँ नहीं ना, तो मैंने पहले केक कटवा दिया। सही करा, सही करा। हाँ बेटा क्या हुआ, चलो उठाओ इसको साफ साफ करो बच्चों। तो भाई यहाँ पे लड़की जो हमारी कपड़े वपड़े तैयार करके आई, भाई के कपड़े पहन गए, और पापा फिर से कर ले गए थे, आजा बेटा बहुत कपड़े हैं कर ले तू, जो तुझे पंगे लेने ले ले, लेने नहीं ले, कैपिंग बजानी कैपिंग, पक्का का पक्का पंगा। अभी की बहुत प्यारी सी ब्रेकिंग न्यूज है कि ना तूबा ने बोला ज़ाद, मैंने सुबह भी सुना था, मैं बुलवाती हूँ, पता नहीं बच्चे बोलेंगे कैमरे के सामने तूबा आ गया हो निकले क्या हो, तूबा ज़ाद ज़ाद बोला, तूबा ने ज़ाद बोला, नाम भी लेती थी निकी, ऐसे तो कृतिका तूबा निकी बोलती है, नहीं पापा वो पीछे देख रही है कौन खड़े हैं, निकी पापा तो बोलती है ऐसे ज़ाद बोला, नहीं ला अंदर से आवाज लेके आ रही है। तो भाई पीछे हमारे भाई खड़े हैं, और बस जल्दी से हम ब्रांड बना रहे हैं, और आपको ऑनलाइन मिलने वाले चीजें, तो कोई भी नंबर पे कॉल वॉल करके कोई भी ये मत सोचो कि आपको तेल मिलेगा कुछ मिलेगा, विद इन 20 डेज दो हर किसी की रिक्वायरमेंट, मेरे पास लाखों मैसेज है कि हमें तेल चाहिए तेल चाहिए। तो भाई पीछे हमारे दोनों भाई खड़े हैं, तो अभी हम चीजें कर रहे हैं,
सिर्फ 20 डेज रुक जाओ, जहाँ बोलोगे वहाँ तेल मिल जाएगा, पाकिस्तान में मिल जाएगा। जी सर बिल्कुल, मतलब वर्ल्ड में मिल जाएगा। हाँ भैया बैठू, मैंने आपका बर्थडे सेलिब्रेट कर दिया है, अनू का भी बर्थडे सेलिब्रेट कर दिया है। अभी ये मत बोलना मम्मी बर्थडे पे नहीं थी, ठीक है? गोलू माँ बर्थडे पे रहेगी, माँ रहेगी ना, मम्मी नहीं है ना, मैं पापा मम्मी बन के तो गोलू माँ कहते ना, एक माँ में बाप भी होता है, तो वही फर्ज मम्मी निभाएगी, ठीक है? और मैं इनकी छोटी बहन भी रहूंगी। अच्छा मम्मी पास आ जा, आ जा, मना कर रही है, आ तूबा आ जा तू गोलू मत कर, पता है क्या ये और तूबा कल ना जैद ने और इसने मेरे को तीन दिन से मारा, यहाँ पे भी काटती है आजकल, सब जगह काटती है, कहीं भी कुछ भी माल दिख लेती ना काटने ले जाती है। ए लाइट क्यों बंद करती भाई, मैं अपनी चोरी का ब्लॉग ले रही हूँ। हाँ नहीं तुम्हारी ये पता है क्या प्लानिंग करी पीछे से बाहर, कह रहे मैं सोने लाइट बंद करूँ। अच्छा जब इसका ब्लॉग चल रहा होगा ना, मैं तो पूछना क्या बोला लाइट लाइट और ऑन कर दे। अच्छा तूबा जैद बोल दो। तो गाइस फाइनली वो दिन आ चुका है जब हम लोग लेके आए हैं आपके लिए बहुत ही बड़ा सरप्राइज। सरप्राइज क्या है वो आगे आगे पता लगेगा और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, मैंने बहुत मेहनत करी है सरप्राइज के लिए। इसके लिए हम 1.5-2 महीने से इतने धक्के खा रहे हैं, कभी दिल्ली कभी जलंधर कभी लुधियाना कभी कभी कहीं कभी कभी कहीं, तो अब जाके ना मुझे वो चीज मिल गई है जो मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। तो बस 2 मिनट के अंदर अंदर बहुत ज्यादा जो स्पेशल चीज है जो सरप्राइज है वो खुलने वाला है। तो गाइस रात के बज गए 1:30 और अभी जस्ट घर पहुंचे और सारे बच्चे सो रहे हैं, चीकू भी सो रहा है क्योंकि कल है मॉर्निंग में उसका स्कूल। तो बस अभी हमारे स्पेशल भैया आने वाले हैं, थारा भाई जोगिंदर आने वाला है, मतलब मेरा भाई जोगिंदर आने वाला है क्योंकि उनकी सिस्टर की वेडिंग है, तो उसके लिए भैया हमें स्पेशली दिल्ली से आए हैं इन्विटेशन देने के लिए। तो बस भैया आते हैं, उनसे खाना पीना पूछते हैं और उनसे खूब सारी बातें करते हैं। अपना ना खाने पीने पर ध्यान दे ले, 36 बार कह दिया और तुमने बहुत लापरवाह, मतलब ना विटामिन ना आराम ना सोना, पता ही नहीं चला बुड्डू। मैंने 1 महीने पहले टेस्ट कराया था, कैसे मुझे खुद बॉडी में फील ही नहीं हुआ, मेरे को पीलिया है जॉन्डिस है। अब पता लगा, मैं कल सुबह जाती हूँ हॉस्पिटल, जो भी बोलेंगे ना जो करना है, एडमिट करने के लिए बोलेंगे एडमिट, जो करने के लिए बोलेंगे वो कर लूंगी। तो भाई बच्चों का जिगर का छल्ला यानी कि जोगिंदर आ गया है, जोगिंदर से मिलवाता हूँ क्योंकि रात के 1:30 बज रहे हैं, अभी इसको टाइम मिला है, तो मैं अभी जा ही रहा था, थोड़े से डांट भी लगाते हैं। चलो तो भाई फाइनली जोगिंदर पहुंच गया है। तू अकेला कैसे आया, टीम कहां से तेरी? भाई टीम अकेला चलता है भाई, शेर शेर अकेला चलता है या फिर यहाँ पे अकेला है? नहीं नहीं भाई तुम्हारे पास तो अकेला ना पड़ेगा ना भाई, 10-15 लेकर अपने साथ, अच्छा अच्छा नहीं लगेगा शायद। भाई जान है जोगिंदर भाई, 4-5 फोर चूर कर भाई। अब मैं बता देता हूँ तुम्हें बिग बॉस में मिलेगा जोगिंदर ना भाई, हमारे अरमान भाई जाइए। नहीं बता दिया, देखो मैंने टाइम से पहले रिपीट कर दिया ना भाई, अरमान भाई सिस्टम हमारे भाई, एक नंबर भाई, अगर दिल के दिल का साफ आदमी। मैं निकला था भाई सुबह, निकला था गुड़गांव से, अच्छा फिर आता आता अरमान भाई कभी भाई शो में जा रहे हैं कभी फिल्म की प्रमोशन में जा रहे हैं, मैंने कहा पता नहीं कब टाइम मिलेगा। बकवास कर रहे, बकवास, एक नंबर का झूठा आदमी। तो भाई हम जोगिंदर को ले अपने स्टूडियो में और अभी मेरा सुबह गाना आने वाला है और ये गाना ना सारा बिहाइंड द सीन पे हुआ, मतलब इस पे अभी तक मैंने ना शो ऑफ नहीं किया, मतलब दोबारा शूट करूंगा ये गाना, मेरे दूसरे गाने का बिहाइंड द सीन का डाटा था, तगड़ा लगा भाई गाना। तो अभी तेरे को दिखाएगा करके। तो ये हमारा प्रवीण भाई है, खतरनाक बढ़िया। तो भाई हमारा बच्चा सो रहा, चीकू नहीं तो जोगिंदर से मिलवाता। पाल हेलो भैया कैसे हो? हेलो दीदी कैसे हो? नमस्कार जी। पाल चीकू को उठा दूंगा, मिलवा दो जोगिंदर से, स्कूल जाना। मिल लेगा, वो फैन है जोगिंदर का, जोगिंदर का फैन है वो। बस बढ़िया, आप बताओ कैसे हो? बिग फैन। अच्छा बिग फैन, जानते हो आप इनको? क्या नाम है? भूल गया नाम, कृतिका जी। तो जोगिंदर भाई इंटरव्यू ना मैं तेरा यहीं लूंगा और इंटरव्यू में एक नई चीज और होगी कि तुझे खाने में क्या बनाना था वो तेरे से बनूंगा। भाई मेरे को आते चाय बनानी और चावल, तो दोनों चीज बना सकता हूँ ना। कैसा लगा, कैसा सेट लग रहा है? एक नंबर का बना रखा भाई ने, पॉडकास्ट के लिए। हाँ ये पॉडकास्ट भाई, यूनिक पॉडकास्ट कर रहा हूँ तुम मार्केट से। बस क्या करें, अब काम ही हमारा है सर है भाई। शांति खुश होगी, शांति जानते हो क्या मेरे को? हाँ जानती है, सब जानते हैं जोगिंदर। शांति किसी ने तो पहचाना, कैसे कुछ ठाके भाई, जो मर्जी जोगिंदर तेरे को मना, जो तेरा दिल कर ले, नो नंबर भाई, भाई का सिस्टम तगड़ा है भाई, हम तो चप्पल मारे देखो। बकवास मत कर, कुछ नहीं वजह लूट गया जोगिंदर पहनता 10-10 लाख रुपए के जूते। ऐसा कुछ नहीं भाई, भाई ले रहा मजे मेरे साथ रात को 12 बजे। तो जोगिंदर भाई ये कलेक्शन तेरे भाई का कलेक्शन बड़ी प्यारी और ऐसे भी है जिसमें यूज भी नहीं रखे, जो भी पहन सकता है। तो 4-5 लाख 50 लाख से तो बड़ा सिस्टम है। बस यार क्या करे, मेंटेन किया चीज बढ़िया भाई, कपड़े वपड़े सारे सूट शर्ट के नीचे है। हां बढ़िया सिस्टम कर रखा भाई तुमने। तो भाई जोगिंदर आ गया जिम में। जोगिंदर भाई तुम्हारा फार्म हाउस का टूर कब करवा रहे हो? भाई मेरा कोई फार्म हाउस नहीं है भाई, बकवास मत कर, छोटा सा घर है भाई। फार्म हाउस तो ये है भाई, मैंने भाई का सिस्टम देख लिया, 5 फ्लैट 6.5 कीमत 4-4 करोड़ रुपए भाई, 4 नहीं थे 16 करोड़ का एक फ्लैट, 16 करोड़ का एक फ्लैट हाँ भाई ना, सिस्टम तगड़ा।
मजा बना रहा भाई। 100 करोड़ के साथ फ्लैट फ्लैट है मेरे हिसाब से और जिम और तो पता ना कितने प्लाट व्लाट ले लिया भाई भाई ये देखो मेहनत करो और अपने शौक पूरे नहीं भाई सही बात है भाई। पर गाड़ी मेरे पास स्कॉर्पियो है भाई, गाड़ी तो मैं वरना में चलता हूँ सही है ना। कति बढ़िया मजा आ गया पर भाई देख के एक नंबर का। तो भाभी जी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिफोर एंड आफ्टर? पहले की लाइफ स्ट्रगल वाली थी पर अभी कहते हैं कि और ज्यादा स्ट्रगल हो गया। इतना ज्यादा अचीव कर लिया? हाँ अचीव कर लिया तो और ज्यादा अचीव करने के लिए बस उस दौड़ में मेंटेन करने के लिए टाइम से देख रहा हूं आपको कहां से स्टार्ट किया था कहां पहुंच गए। भैया पानी लो। पियो मोटा भाई पानी पियो खींचो 4-5 गिलास आप भी ले लो भैया। मैं तो भाभी बहुत पी लिया आज पानी पानी। कब की शादी डेट क्या है? 26 बच्चों का बर्थडे है। जिस दिन बच्चों का बर्थडे है भाई बर्थडे का मैं करा दूंगा अरेंजमेंट सारा। नहीं अरेंजमेंट की तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा अरेंजमेंट करा दूंगा आपको बर्थडे का पार्टी का। एक अच्छा आना है सबको भाभी जी रेडी रहना। देखो मैं पहली बार आया हूं यहां पर इतनी दूर स्पेशल आप लोगों के लिए, कुछ करना नहीं पड़ेगा आना ही पड़ेगा आपको। ये तो तुमने कैसा भी करो भाई आओ गाड़ी लेके आओ या ट्रेन। किसकी शादी है? दीदी की बड़ी बहन की शादी है। बहन की शादी में तो जरूर पहुंचे जाना पड़ेगा भाई। मेरा तो रोस्ट नहीं होगा पर थोड़ा आप देखिए मैं तो सिस्टम समझ गया सारा वो क्या बोलेगा। तो ऐसे थारा भाई दर्द नहीं होता हमको। देखो भाभी शेर को कभी दर्द नहीं होता। जोगिंदर भाई ये बता मुझे सारी बातें छोड़, ऐसा कोई वाक्य बता कि आज भी वो सब्सक्राइबर फैन तेरे दिमाग में है कि एक बार ऐसे हुआ था और मैं उसको कभी जिंदगी में नहीं भूल सकता। भाई ऐसे हुआ था, एक लड़का था जब मैं फेमस हुआ था स्टार्टिंग में टिकटॉक पे, वो मेरा घर आया था और मतलब 15-20 बार मेरा घर आ गया वो। और लास्ट टाइम मैं 3 दिन पहले मिला था, वो मेरे लिए वहां जा रहा था वृंदावन साइकिल लेके कि जोगिंदर से मिलना, रोज वीडियो टैग करता था। अच्छा हाँ, अगर ये वाली वीडियोस भाई तक पहुंची तो उससे मैं पक्का मिलना चाहूंगा। तो मिला नहीं तो उससे अब तक? मैंने उसको मैसेज भी ड्रॉप किया है, कमेंट भी किया है, हालांकि पता नहीं वो चलाता नहीं चलाता कौन इसकी वीडियो बनाता है। तो भाई सबसे ज्यादा फैंस होते हैं ना, कुछ कुछ होते हैं। एक हमें मिले थे याद है, उसने हमारे तीनों का नाम लिखवा रखा था अपने हाथ। सरदार जी थे वो, सरदार जी हाँ सरदार जी थे, उन्होंने मेरा गोलू कर इनका तीनों को नाम कर। और मम्मी मिल गई उन्हें, हमें नहीं मिले। मम्मी आ रही थी दिल्ली से चंडीगढ़, मम्मी बस स्टैंड पर उतरी, उसने देख लिया कि कृतिका की मम्मी है, तो उन्होंने उनको रोका। फिर उन्होंने मम्मी ने हमें बताया, फिर हम गए, हम मिलके आए। होता है काफी होता है। तो जोगिंदर भाई एक बात बताओ, मैं तुम्हारी वीडियो में अक्सर देखता हूँ तुम अकेले होते हो पर तुम घूमते पूरी टोली के साथ हो, तो कभी कभी ऐसा होता है कि भाई बहुत सारा भाईचारा निभा के देख लिया, आखिर में क्या होता है ना, धोखा ही मिलता है, पीठ पीछे बुराई करते हैं भाई लोग। ऐसे कितनी बार हो चुका है? भाई बहुत बार हो चुका है। एक टाइम था भाई 15-15 लोग मेरे साथ परमानेंट, फिर पता चला कि वो वहां से बुराई कर रहा है, वो वहां जाके मेरे बारे में गलत बोल रहा है, तो धीरे धीरे ना ग्रुप टूट जाता है, लिमिटेड लोग रह जाते हैं और अपने लिमिटेड लोग है अभी खास कुछ जो बच्चे हैं, भीड़ कम कर दिया मैंने। ऐसा नहीं तो कभी गुस्सा के भाई मैं ऐसा सीन नहीं होता भाई। देखो कामयाबी शोर मचाती है, मेरा टारगेट रहता है कि भाई लाइफ में कुछ करना, बड़ा करना। जो छोड़ के जाते हैं तो भाई मेरे को और मजा आता है और अच्छा काम करता हूँ ताकि जवाब मिले उनको। जोगिंदर भाई सबसे पहली फेसबुक की इनकम कितनी आई? भाई 25 लाख रुपए, मतलब 25,000 डॉलर थे शायद पहली बार। 25,000 डॉलर। जब वो पैसे तूने अपनी मम्मी के हाथ में दिए तो वो रिएक्शन और मूवमेंट क्या था? भाई मम्मी का रिएक्शन ये था, मम्मी बोली कहाँ से ले आए तू चुरा के? मैं तो बैंक में गया और भाई मैं सारे पैसे निकलवा के ले आया, मैंने कहा कभी बैंक वापिस ले ले। अच्छा हमारे साथ भी ऐसे हुआ था। हमारी फर्स्ट पेमेंट आई थी 18,000 रुपए। अच्छा तो हमें पता ही नहीं था, हम यूट्यूब पे ऐसे डालते थे शॉर्ट्स, हमें पता ही नहीं था हमारा चैनल इतना बड़ा है। फिर एक पेमेंट आनी थी बहुत बड़ी, हमें लगा ये यूट्यूब वाले हमें पैसे देंगे। अच्छा ये 18,000 तो छोटी पेमेंट थी, इन्होंने दे दी अब नहीं देंगे। हम टेंशन में आ गए कि पता नहीं आएगी नहीं आएगी, आएगी बैंक को निकलवा लिया है। ऐसा हुआ कभी कि मैं बहुत ही खास दोस्त, मतलब कि तू बता कहाँ ना, तू बता कहाँ ना, और कभी ऐसा हुआ रात को तू बीमार होगा तू फोन कर रहा है और वो यार मैं नहीं भाई देख मेरे को लाइफ में बहुत लोग मिले हैं, ऐसे ऐसे लोग मिले हैं जो एक टाइम में साथ थे, धोखेबाजी मिले हैं, पर सच्चे दोस्त है ना 4-5 मिले हैं। तो उसमें हमारी गिनती है भाई। तुम तो भाई यार कैसी बात कर रहे हो, तुम तो भाई हमारे से एज में बड़े हो, हर चीज में सीनियर। भाई नहीं है भाई, कमेंट करके बताना कुछ भी एज। मैं तो 26 साल का। अभी जोगिंदर भैया की शादी नहीं हुई ना, आपके 4 बच्चे हैं तो एज में तो बड़े हो। देखो भाई अरमान भाई तुम्हारे बच्चे अच्छे सब हो गए, मैं 26 साल का, तो फिलहाल तो तुम ही बड़े हो। जोगिंदर पहली गाड़ी कौन सी ली थी और आखिरी गाड़ी कौन सी ली थी, एम क्या है? भाई पहली गाड़ी वरना 2009 मॉडल ली थी ना सीएनजी, 1,20,000। जोगिंदर तो बिजनेसमैन बनेगा बनेगा, और जब आप सोशल मीडिया पे आओ तो बिजनेस की तरफ आप थोड़ा सा रन कर भी दिया करो। अच्छा कभी ऐसा हुआ कि भाई तुम फेसबुक कर रहे हो और कुछ लोग तेरे साथ जुड़े वो भी फेसबुक करने लगे, फिर जलन फैक्टर आ गया?
होता है भाई, बहुत से लोग है जिसको भाई मैंने खुद बताया कि फेसबुक पे, जिस टाइम फेसबुक पे मोनेटाइजेशन स्टार्ट हुई थी सबसे पहले भाई मैंने पैसा कमाया था, और काफी लोग को मैंने बताया भी था कि भाई ऐसा पैसा कमाओ। फिर भाई क्या हुआ कि कभी कभी अर्निंग उनकी ज्यादा होने लगी तो उनको लगा हम भगवान बन गए, तो भाई माइंड तो मेरा रहता था ना कंटेंट कैसा वायरल होगा, ठीक है। तो भाई जिसका भी साथ छोड़ा, आज का दिन है भाई $1,000 भी नहीं आते हुए उनके। जोगिंदर भाई एक बात बताओ, फेसबुक की सबसे बड़ी वीडियो तुम्हारी की ये डिजिट ऑफ नंबर था और इंडिया में मैं भाई जाते रहते 100-100 मिलियन, जब मन कर जाए 50-60 मिलियन, हाईएस्ट भाई गई है 980 मिलियन, तो 9-7 मिलियन लाइक 980 मिलियन वीडियो की अमाउंट कितना होता है भाई? उस टाइम कोई अमाउंट नहीं था, पता ही नहीं था मोनेटाइजेशन का। अच्छा वो वैसे वैसे चले, हाँ मेरी एक वीडियो फ्री में, वो दूसरी वीडियो थी शायद मेरी, फिर भाई मेरे 75,000 फॉलोवर हो गए थे उस वीडियो से। सही है, काश उस टाइम पता होता तो आया था भाई कम से कम 30-40 लाख रुपए। तो जोगिंदर सोशल मीडिया से पहले क्या करता था, कितने की जॉब कर? भाई ऑटो चलाता था, गाड़ी की नौकरी करता था भाई। तो मतलब महीने में ये 10-12 सेविंग होगी, तो 6-7 हज़ार पार्ट टाइम करता था ना भाई। अच्छा पढ़ाई भी कर रहा था? पढ़ाई तो भाई कहाँ, इतना पैसा नहीं था फैमिली के पास। तो मतलब जोगिंदर क्या ना एक म्यूजिशियन भी था, इनको सारे ट्रैक पता थे, कैमरा इसको चलाना आता था। वो सीन क्या था, जैसे कि जब मैं इस फील्ड में आया था उससे पहले थोड़ा मैं इस लाइन में घुस गया था कैमरा वैमरा की, मैं तो हर चीज की नॉलेज थी कि कौन सा क्या होता है क्या नहीं होता। तो इस फील्ड में आने के बाद तो काफी चीजों की नॉलेज हुई, फिर मैं अब आपके सामने। जोगिंदर एक बात बता भाई, जोगिंदर कैसी लड़की से शादी करना चाहते फ्यूचर में, मतलब कैसी लड़की होनी चाहिए जो अपने भाई? देखो जो मेरी मम्मी पसंद करेगी भाई उसी लड़की शादी करूंगा। नो लव मैरिज? नो लव मैरिज। आपको कोई सवाल? मेरा भी यही सवाल था कि कैसी लड़की चाहिए, पर आप पूछ चुके हो भाई। नहीं, मेरी माँ से ऊपर कुछ नहीं है, जो मेरी माँ ने बोला वही करूंगा भाई। वेरी गुड वेरी गुड भाई। 1 रुपए का रिश्ता, कोई पैसा नहीं लूंगा लड़की से, कोई डिमांड नहीं, क्योंकि भाई मैं दहेज के खिलाफ हूँ बहुत ज्यादा। लास्ट मोमेंट बताओ, कोई ऐसा फैन याद हो कि तुझे बुरा लगा हो यार मैं कहीं बैठा हूँ और कुछ ऐसी हरकत होगी, क्योंकि यार ऐसे लोग भी होते हैं भाई। फैन ये अपने कुछ साथ के होते हैं बंदे, जो सांप होते हैं एक दो ग्रुप के अंदर, पीछे से ये तरह से बोल के दो चार बच्चे इकट्ठे करा के भाई पॉइंट मरवाना। तो भाई मेरा तो भाई काम जवाब देता उन लोगों को, ठीक है। हालांकि जो करते थे आज वो मिलने के लिए तरसते, बट कोई नहीं, मैं ये कहूंगा भगवान खुश रहे वो भी जहाँ पर रहे। तो पाल कुछ 5 सवाल। जोगिंदर भैया आपके यहाँ पे कुछ चोरी वोरी हुई थी, आपने कुछ स्टूडियो बनाया था? हाँ जी, वो चोरी हो गई थी, ऐसी ऊपर स्टूडियो बना हुआ था घर पे नॉर्मल सा, तो घर पे कोई था नहीं, पैसे वैसे भी थे कैसे रखे थे, तो किसी जान पहचान वाले ने किया? हाँ कोई होगा जी आस पड़ोस का, घर के ऊपर एक छोटा सा स्टूडियो था, रात को कभी मैंने देखा था, वो सब कुछ सिस्टम वगैरह आपके गिरा रखे थे, आपके बटन गिरा रखे थे। अच्छा भाई हम पूरा वीडियो देखते हैं, एक मिनट छोड़ते जोगिंदर वीडियो। तो जोगिंदर भाई ऐसे ना 5 यूट्यूबर का नाम लूंगा तो मैं एक्सप्लेन करना वो कैसे है, ठीक है? एलविश यादव। कुछ नहीं है भाई, बच्चा है अपने सामने। तहलका? तहलका ठीक है भाई, वैसे तो भाई है अभी तो फिलहाल, पर ठीक है भाई। अच्छा वो यूट्यूबर थोड़ी ना है, तहलका यूट्यूबर थोड़ी ना भाई, तहलका यूट्यूबर नहीं भाई, सॉरी। अच्छा और ट्रिगर निशान? ट्रिगर इंसान भाई कंगारू है। अच्छा अच्छा एक वो भैया जो एलविश भैया के साथ, सौरभ जोशी। सौरभ जोशी ठीक है, लड़का बढ़िया कंटेंट बना रहा है, उत्तराखंड का है, अच्छा है, कम एज का है, फैमिली ब्लॉग बनाता है और फैमिली के साथ खुश रहता है, तो काफी चीजें अच्छी। पारस ठकराल? पारस से मिला था भाई, बढ़िया है, फर्स्ट टाइम मैंने उनको देखा लाइव, बड़ा अच्छा लगा, बट वो भी थोड़ा लाइफ में परेशान है भाई। फुकरा इंसान? फुकरा भाई, फुकरा का सीन तो थोड़ा अलग है, अभी कुछ टाइम पहले उसने अनफॉलो मारा था, बट मेरे को समझ ही नहीं आ रहा फॉलो क्यों मारा, मतलब ऐसा काम निकाला और चलो काम नहीं भाई, जोगिंदर के नाम से व्यूज उठाया है 20-20 वीडियो पड़ी चैनल पर ये चीज बोलनी नहीं चाहिए, ठीक है जो कर रहे हैं, एक टाइम था दोस्त था बढ़िया, बट अब कोई। अगर जोगिंदर किसी मतलब बॉलीवुड की एक्टर के साथ गाना करना चाहिए कौन होगी? भाई जब मन करे नींद में गाने कर दो, बट मैं अभी करना नहीं चाहता। एक्टर का नाम बताया, मतलब एक्ट्रेस का? भाई देखो फिलहाल अभी उस लेवल पे आए नहीं है, जिस दिन आएगा उस दिन बताएगा पक्का। नहीं अभी बताओ ना भाई, कोई यही नहीं भी सच में, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है भाई प्लान। रोडीज का एक्सपीरियंस कैसा था भाई? रोडीज का एक्सपीरियंस ऐसा था कि फर्स्ट टाइम शो मैंने ना ज्यादा देखे नहीं थे, बट मैं फर्स्ट टाइम चला गया उसके अंदर डायरेक्ट, चला के काफी चीजें मेरे को समझ नहीं आई, वो इसलिए क्योंकि शो देखा ही नहीं था कभी, तो अब काफी चीजें सीख गया, एक्सपीरियंस बढ़िया था, जर्नी बहुत अच्छी थी, लोग काफी अच्छे मिले जिन्होंने मोटिवेट किया। प्रिंस भाई के लिए दो लाइन? भाई प्रिंस भाई देखो वो एक ऐसे इंसान है जो लोगों को मोटिवेट करते हैं, हालांकि मेरे को थोड़ा सा बैड फील हुआ था, बट रियलिटी में मेरे को रोडी से बाद आने के बाद पता चला कि वो बंदा सच में जैनुइन है और वो दिल से सोचता है लोगों के। बिल्कुल बिल्कुल, देखो मेरा ही बहुत अच्छा दोस्त है, हमसे भी बहुत अच्छे टर्म है उनके, बढ़िया है भाई बढ़िया है। अब नेक्स्ट कहा आप कौन से उस पे जाना चाहते हो? जी अभी जो कुछ नहीं, चाय पीने दो मुझे, चाय पीने दो मेरे को चुपचाप। इतना फास्ट इंटरव्यू कोई ले भाई, कोई टक्कर में नहीं है अरमान भाई के, कोई टक्कर में है क्या? मैं तो देखो मैंने सुना आप बिग बॉस जाने वाले? नहीं बिग बॉस नहीं जाने वाला जी, ऐसा क्यों बोलोग? तो देखो जी अभी कुछ नहीं पता, सब किस्मत का खेल है, अपने जो कर रहे हैं बढ़िया, अपने कहा लोगों का प्यार भेजते तो ठीक है, लोगों का प्यार भाई बिग बॉस में तो शायद अरमान भाई की आपकी देखता रहता हूँ न्यूज में, हमारी कोई न्यूज नहीं है भाई, सच बता रहा हूँ ना, हमारे जाओ भाई एक बार, मैं चाहता हूँ कि तुम जाओ, अरे भाई काफी लोग है डो भाई
जो आपकी फैमिली को एक साथ देखना चाहते हैं भाई, एक साथ हम चले गए तो कलेश इतना करवा देंगे, आके तलाक दिलवा। मैं करूँ बिग बॉस में अगर एक साथ चले गए वहाँ इतना कलेश करवा देते, आके तलाक ना हो जाए हमारा। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। देखो ऐसा, पर तुम्हें फैमिली देखना चाहती है हिंदुस्तान की फैमिली? काफी लोगों के माइंड में डाउट है कि फेक है। फेक नहीं, काफी जैसे लोग सोचते हैं कि भाई दो शादी क्यों कर ली, तो भाई दो शादी क्यों नहीं कर सकते? जोगिंदर कितनी शादी करना चाहते हैं? भाई मैं तो कर लूंगा 4-5, 3-4 जितनी भाई मना, क्या दिक्कत आ रही है भाई? अच्छा देश में कुछ तो संविधान लागू होगा एक दिन, कर लेंगे भाई। दिक्कत आपको बाद में आएगी भाई, देखो करने के बाद आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। सारी भाई को खुश रखूंगा, बोलूंगा आराम से मेरे को चाय रोटी सब टाइम से दो, बस खत्म कर। एक घर में चार बहनों, उनसे चारों से एक साथ कर लेते फिर दिक्कत नहीं। नहीं देखो जी वो तो किस्मत है, पता नहीं किस्मत में एक शादी लिखी है तीन शादी लिखी है क्यों भाई। तो भाई ये मजाक मस्ती चल रही है तो इसको सीरियस मत लेना, हम बिल्कुल भी किसी को मोटिवेट नहीं कर रहे। और जोगिंदर भाई ने जब एक बात बोली आपने ध्यान दिया हो, इसने बोला है जब मेरी माँ बोलेगी मुझे शादी करूंगा और एक रुपए लूंगा, तो ये मजाक मस्ती है, मजाक करने की आदत है, तो इस चीज को बिल्कुल भी सीरियस मत लेना, चीजें खराब हो जाती है। ये तो भाई तुमने कुछ दहेज में लिया था? नहीं लिया था, लिया था फॉर्च्यूनर लिया तुमने? नहीं नहीं, पूछ मुझसे क्या लिया था। क्या लिया था? ये तो कपड़े में आई थी। अच्छा, और वो दो चार में आई थी। है भाभी दो जोड़ी में लड़की हुई तो भाभी कोई बहन नहीं है तुम्हारी? है भाभी बहन है, रिश्ता होगा उसका, रिश्ता होगा क्या फायदा भाई? भाभी तुम्हारी बहन कोई? मेरी सब सारी बड़ी बहनें बड़ी हैं, चाची की लड़की सबकी सब बड़ी, सबसे छोटी मैं। तीनों खाली है लाइन से, खाली सागर भी खाली है, इसका भी रिश्ता नहीं हो रहा, मेरा भी नहीं हो रहा। एक बहन बची थी उसकी भी शादी होने वाली है, सारे नहीं है पड़ोस में, गाँव में। जोगिंदर भाई तुम्हारा किस्सा था यार बहुत फेवरेट, मतलब लोगों ने बहुत ट्रोल किया, इंजेक्शन के पैसे खा गया, फलाना खा गया, दिकड़ा खा गया। आज मैं तेरे मुंह से वो जेन्युइन चीज सुनना चाहता हूँ भाई। कोई पैसे वैसे नहीं खाए, इस हिंदुस्तान के अंदर वो किसी की मदद कर दे तो उसी पर आरोप लगते हैं। मैंने किसी की मदद कर दी, पैसा आ गया, बाद में पता चला कि किसी एनजीओ ने पैसा ऑलरेडी डोनेट कर दिया था, तो मैंने वीडियो बनाकर डाल दी सोशल मीडिया पे कि भाई वो पैसा वापस दो उनकी फैमिली से, तो लोग मेरे को चोर समझने लगे। हालांकि ऐसा कुछ नहीं था भाई, अगर कोई आज के टाइम में डो भाई तुम्हारा अगर एक रुपया मैं खा लूं तो मेरे घर 20 बार आओगे। सीधी सी बात है, सही बात है ना भाभी जी? तो ऐसा कोई किसी का पैसा नहीं छोड़ता, कोई किसी का पैसा कोई किसी का एक रुपया नहीं छोड़ता। और सबको पता होता है कौन कहाँ रहता है, कौन कहाँ रहता है भाई, पता लगता है तो वो भी पता कर लेते हैं। अगर किसी ने पैसा दे रखा हो तो वो जमीन से भी खोद के निकाल लेते हैं। कोई पैसा नहीं खाया भाई, अगर मैं पैसा खाता तो शायद आज यहाँ नहीं होता भाई, दुबई में होता। तो भाई जोगिंदर भाई के साथ मैंने ब्लॉगिंग में देख लो इंटरव्यू कर दिया, क्योंकि ये आदमी इंटरव्यू बाद में देता नहीं मुझे, क्योंकि इसके पास होता नहीं है टाइम। भाई देखो मैं भाई ऐसा कुछ नहीं है भाई, 200 रुपए पैंट पहन रखी है और शायद 400-500 की कॉपी है ना, उससे पूछता जिस तरह वो मैनेजर है तेरा। भाई मैनेजर भाई भाई बता रहा भाई ने भी ऐसी पहनी है 150 रुपए की शर्ट, मेरे पास तो वो भी नहीं है पैंट, मेरी भी इतनी होगी ना बोलो। भाई ये तो मोटा सिस्टम है भाई, मैंने देखा है तुम्हारे स्टूडियो में भाई, इतने कपड़े रखे अंदर मजा आता है, मजा आया था। 12-15 लाख का ऊपर ही सिस्टम होगा ना भाई, इसने देखा नहीं, ये तो गया नहीं वीडियो में देखा होगा ना तुम्हारी। नहीं नहीं, इनका भी इंटरव्यू करो ना भाई, कुछ फेमस करो इनका डॉब भाई को। बस हो गए थे साथ बैठे बैठे पूछ रहे थे भाई, साथ डॉब का नाम डॉब डॉब शॉब मारी नाम के कैसे पड़ गए? वैसे मैं म्यूजिक करता हूँ, तो मेरा नाम मुझे डिस्क्राइब करता है। बहुत इन्होंने ऐसा नाम रखा डोप वाइब, कोई सर्च भी करता है ना डोप 3 भाई, बहुत फेमस गाने कर रखे। तो भाई हमारा गाना आ गया, पहले तो हमारा गाना देख लो, बहुत ही कमाल का। अभी हमने ना सिनेमैटिक शूट पे डाला है, तो आप 50,000 कमेंट कर देना किसी वीडियो बनाओ, हम वीडियो बनाएंगे फाइल, उसमें इतनी प्यारी लग रही है ना, आपको देखना पड़ेगा भाई। हमारी दोनों भाभी प्यारी है। हाँ। और भाभी माँ के समान होती है, भाभी सही बोल रहा हूँ ना? बिल्कुल सही बात है। तो आई होप, मैं चाहता हूँ कि हमारी भाभी इस गाने में देखना जाए, इस गाने में अच्छी दिखे और सुबह स्वाइप अप करके बोल के। भाई मैं तो लगा दूं स्टोरी, मेरा क्या है भाई, 4 लाख रुपए लेता हूँ भाई आपसे, 2.5 लाख ले लूंगा भाई स्टोरी के। क्यों लो भाई डिस्काउंट? नहीं कोई डिस्काउंट नहीं, देख रहे हो यहाँ भी पैसे की बात चल रही है। तो भाई इस ब्लॉग को एंड कर दे वाले, तो भाई इस ब्लॉग का मिलते हैं भाई की, मिलते हैं अंजू दीदी की शादी में 26 तारीख को। बिल्कुल भाई अगर नहीं आए ना 26 तारीख को अरमान भाई, लड़ाई हो जाएगी, चंडीगढ़ आ जाऊंगा ट्रेन पकड़ के, याद रखना। नहीं आ जाएंगे तेरी कसम, बहन की शादी, तेरी शादी नहीं, तेरी शादी होती तो क्या पता मैं ना आता। भाई मेरी शादी में भी आना पड़ेगा, हालांकि मेरी शादी तो अभी होगी नहीं, कोई लड़की शायद मिले ना मिले मेरे को, पर बहन की शादी होती ना और हमें कोई काम होता तो मैं मिस कर देता, आ जाते अगले दिन, पर सिस्टर की तो मैं जरूर आऊंगा पक्का। चलो भाई वेट रहेगा आपका, ठीक है ना? बढ़िया भाई, ठीक है पक्का। दोनों भाभी को लेगा ना पक्का, तीनों चारों बच्चों को पक्का। चलो भाई सो जाओ तुम लोग, नाइस।